आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह समय सार नामक परमागम ग्रंथ है। निर्जरा अधिकार स्वरूप की महिमा बताने वाला यह कलश अचिंत्य शक्ति स्वयं देव चिन्ह मात्र चिंतामणिरेश सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रह। मैं अचिंत शक्ति वाला हूँ, स्वयमेव देव हूँ, चिन्मात्र चिंतामणि रत्न हूँ, जिससे मेरे सर्व प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा मैं तत्व हूँ, इसलिए मुझे अन्य परिग्रह से क्या। ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहेण, इसलिए मुझे दूसरे के परिग्रह से क्या, मुझे दूसरों के परिग्रह से क्या लेना देना है। तो दूसरों के परिग्रह से तो कोई लेना देना नहीं है, अपने परिग्रह से तो लेना देना है। तो निर्णय तो करो भाई कि अपना परिग्रह क्या और दूसरे का परिग्रह क्या। इस विश्व में अपने पराये की पहचान तो होना ही चाहिए ना। घर घर में ये शिक्षा दी जाती है कौन अपना है कौन पराया है। अगर इतना ना पहचान पाए तो जीवन जीना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आचार्य कहते हैं ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहण, ज्ञानी को दूसरे के परिग्रह से क्या लेना देना है। अपने परिग्रह से तो लेना देना है ना, क्या है तो अपना परिग्रह माने क्या। ज्ञानी का इस विश्व में अपना कौन है, अपना क्या है और पर क्या है। देखो थोड़ी सी हिंट अपन ने एक दिन पहले दी थी कि मिलावट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी सत्ता होते हुए भी, वह प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभव में आते हुए भी हम उसका अनुभव करने में असमर्थ हैं। 17-18 नंबर की गाथा में यह बात बहुत स्पष्ट कही ना, क्या ये भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभूति में आ रहा है। उसका लक्षण भी यही बनाया, कैसा भगवान आत्मा के अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है। ऐसा इस विश्व में एक भी प्राणी नहीं है जिसकी अनुभूति में भगवान आत्मा नहीं आ रहा हो, और फिर भी अनंतानंद जीव राशि इस बात से दुखी हैं कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं है। वो आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। कैसा स्वरूप है आत्मा का, कि अनुभूति स्वरूप। सिद्ध पूजन में जिसके लिए आधी लाइन में लिखा ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, बस झांकता उसमें आत्म राम। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप अपने आप को जाने बिना पर को जान सके। न्याय में तो ये बहुत अच्छे से सिद्ध किया गया है। परीक्षा मुख नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र है घटम अहम आत्मना बेदमी। सामान्य सा सूत्र है कि मैं अपने ज्ञान से घट को जानता हूँ। कैसे जानता हूँ, ज्ञान से जानता हूँ। किसको जानता हूँ, कि घट को जानता हूँ। तो प्रश्न है कि घट को जानने से पहले ज्ञान को जाना क्या नहीं जाना, क्या ऐसा संभव है ज्ञान को जाने बिना सीधे घट को जान ले। ये कठिन नहीं है, ऐसा एक भी प्राणी नहीं है
जो ज्ञान का अवलंबन लिए बिना घट का अवलंबन ले ले, घट के ज्ञान के लिए भी पहले ज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, फिर घट का ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान पर प्रकाशक नहीं है। कैसा है वो? स्वपर प्रकाशक है। यदि ज्ञान स्व को प्रकाशित ना करे तो पर को भी प्रकाशित नहीं करता है। जगत में भी जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, वो दीपक हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, ये जितने भी जो पर द्रव्यों को प्रकाशित करते हैं, घटपट आदि जिनसे दिखाई देते हैं, वे पदार्थ भी मात्र पर प्रकाशक नहीं हैं। वे पर प्रकाशक बाद में हैं, स्व प्रकाशक पहले हैं। यदि वे अपने आप को प्रकाशित करने में असमर्थ होंगे तो पर को भी प्रकाशित करने में असमर्थ होंगे। जैसे ये पौद्गलिक रचना है, ये मायक पर प्रकाशक है कि नहीं है? है कि नहीं है पर प्रकाशक? क्यों? क्योंकि ये स्व प्रकाशक है। स्व प्रकाशक नहीं है तो पर प्रकाशक नहीं है। हम पर को जानते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम स्व को जानते हैं। अब दिक्कत यह है कि इस जानने में जो हमने मिलावट कर दी है, जो हम विस्मृति में चले गए हैं कि इसमें से स्व कितना और पर कितना, बस यहाँ गड़बड़ है। जैसे अपने रत्न दूसरे के रत्न मिल गए हों और सबको एक साथ जान रहे हों, तो सबको एक साथ जानने के काल में भी वो अपने रत्नों को जान रहा है कि नहीं जान रहा है? भाई 5 रत्न मेरे हैं, 50 रत्न दूसरे के हैं, वो मिल गए और जान रहा है। किसको जान रहा है? अपने रत्नों को भी जान रहा है और दूसरों के रत्नों को भी जान रहा है। गड़बड़ क्या हो रही है कि इनमें से ये 5 मेरे हैं और 50 दूसरे के हैं, ये नहीं जान रहा है। तो मेरा क्या है इस विश्व में, एक लिस्ट बना लो, ताकि हमारा आधा सर दर्द तो वहीं मिट जाएगा। क्योंकि कई दफ़े तो हम अनावश्यक रूप से ही क्या कहना चाहिए, कुटेव कह लो, आकुलता करते रहते हैं। अनावश्यक आकुलता, 100% अनावश्यक आकुलता। जैसे एक के साथ घूमने जा रहे थे, बोला देखो भाई साहब इसने कैसा मकान का हरा रंग करवा रखा है, पागल आदमी है ये। मैंने मकान आपका है कि नहीं, आपको लेना है कि नहीं, आपका था कि नहीं, ना आपका था ना आपका है ना आपका रहेगा, फिर भी इसको आकुलता है। किस बात की आकुलता है? अब इसका क्या इलाज है इसका? मतलब ऐसे ऐसे विषयों के प्रति भी हम आकुलता करते हैं जिन विषयों से कोई लेना देना नहीं है। तो आचार्य देव निर्जरा अधिकार में सबसे पहले ये विभाग खड़ा करेंगे कि तुम ये नक्की कर लो तुम्हारा क्या क्या है, तुम उसकी चिंता करना। जब ट्रेन में घुसते हो तो क्या करते हो? दूसरों के सामान की सुरक्षा करते हो? उसका सामान देखो तो क्या कहते हो? क्या करना है किसी के सामान से? अपना सामान सुरक्षित रहे, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि नहीं है? तो अपना सामान कब सुरक्षित रहेगा? जब हमें पता तो हो कि अपना है क्या। हमें पता ही ना हो हम कितने नग लेके चले हैं, तो उतारेंगे कितने नग? हम अपने सामान को पहचानते ही ना हो तो फिर हम उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? तो अपना जो संपदा है, अपना जो वैभव है और दूसरों का जो वैभव है, अगर उसमें हमें भेद विज्ञान ना हुआ कि अपना क्या है दूसरों का क्या है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अपना क्या है इस विश्व में? कुछ है अपने पास? क्या है अपने पास? देखो इसकी अगली गाथा है, 207 नंबर की गाथा है, डायरेक्ट मैं उसकी टीका पढ़ता हूँ। बहुत सरल शब्दों में, शायद ही इससे कोई सरल शब्द होगा इस विभाजन करने का, कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, सामान मेरा कौन सा सामान है, आपका कौन सा सामान है, हम इस निकृष्ट पंचम काल में जन्म लिए, या कोई भले लोग तो पैदा होते नहीं हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य में तो ऐसा लिखा है कि मूर्ख से मूर्ख लोग यहाँ आके पैदा होते हैं, जिन्होंने पूर्व भाव में जिन धर्म आदि की विराधना की हो, ऐसे जीव यहाँ पैदा होते हैं। और वो किस्सा तो आपको पता ही होगा, विभीषण ने जब ये कहा था यदि मैं असत्य भाषण करूँ तो पंचम काल का
मनुष्य हूँ, माने हम बहुत बढ़िया जगह तो वैसे ही नहीं रह रहे हैं, आप समझे ना। और इतनी खराब जगह में भी खराब से खराब वस्तुओं को अपना मान ले रहे हैं, तो अभी पीड़ा तो उत्पन्न होगी ही होगी। तो यहाँ इस विश्व में क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, उसके लिए क्या मार्गदर्शन दिया। देखो ये देखो टीका पढ़ते हैं अपन, बहुत सरल टीका है, समझ में आ गई। तो तत्क्षण आनंद उत्पन्न होगा, और कौन सा आनंद उत्पन्न होगा वो मालूम है। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो, ऐसा आनंद उत्पन्न होगा। देखो जो जिसका स्वभाव है वह उसका, इन्वर्टेड कोमा में लिखा है स्व है, स्व आधा सा और वा, स्व स्व का मतलब क्या होता है, स्व का मतलब अपना। तो अपना क्या क्या है इस विश्व में, किसका क्या है, ये वसीयत पढ़ के देख रहे हैं। क्या बाप दादे तो चले गए, अब माथा कूट रहे हैं, छः कमरा हमारे, आठ कमरा हमारे, पूरे मकान भी हमारा, दुकान भी हमारा, तुम्हारे लिए पाँच रुपया दे गए थे। बोले भैया देखो ऐसी पंचायत करने से कोई मतलब नहीं है, तुम वसीयत खोलो। सब लिख के गए हैं, उसकी एक कॉपी मुझे दे गए हैं, एक कॉपी तुम्हें दे गए हैं, तो एक कॉपी सुरक्षित रखी है, वेदी के ऊपर किसी ने हाथ नहीं लगाया है। कदाचित इसमें गड़बड़ हो जाए तो वहाँ से उठा के पढ़ लेंगे। ये देखो हमारा सौभाग्य है कि वसीयत सुरक्षित है, वसीयत सुरक्षित ना हो तो मर जाए, मर जाए माने दरिद्री बनने के अलावा कोई उपाय ही ना रहे, क्योंकि इस जगत में ठगिया बहुत हैं, वे हमें भ्रमित कर देंगे। ये तो वसीयत है इसलिए हम थोड़ा बहुत सहारा इसका ले सकते हैं। तो इस विश्व में द्रव्य कितने हैं, जाति अपेक्षा से छः और संख्या अपेक्षा से अनंत। अब अनंत है ना, अब अनंतों का अपन बंटवारा कर रहे हैं, किसके हिस्से में क्या क्या है, वसीयत है ये, किसके पल्ले में क्या क्या है, कोई नेतागिरी नहीं बताएगा, कोई अधिक नहीं मांगेगा, और किसी को यहां कम नहीं मिलेगा। भाई ये बंटवारा जो किया है ना, ये किसका किया हुआ बंटवारा है, सर्वज्ञ को परेशान करेंगे अगर कम ज्यादा हुआ हमारे पास तो। जैसे पिता जो बंटवारा करता है वो किस न्याय से बंटवारा करता है, किस न्याय से बंटवारा करता है, कि जितनी भी संपदा होती है, समझदार और निष्पक्ष पिता की बात कर रहा हूँ, कि जितनी भी संपदा होती है उसका प्रयास रहता है कि सबको बराबर मिल जाए, किसी को कम नहीं मिले, किसी को ज़्यादा नहीं मिले, और मिलने के बाद किसी को ऐसा विकल्प ना आए कि देखो हमारे साथ ये पक्षपात करके चले गए, तो वो तो वसीयत बहुत बढ़िया वसीयतों में से कहलाती है। तो यहाँ भी तीन लोक है और तीन लोक में छह द्रव्य हैं, और छह द्रव्य की संख्या देखी तो अनंत हैं। अब किसके हिस्से में क्या क्या है वो अपन वसीयत में पढ़ लेते हैं। यहाँ तो पहली लाइन में ही विकेट गिरा दिया, क्या जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है, क्या कहा, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। ये मंत्र जाप करने योग्य मंत्र है, ये इसको बोलते हैं मंत्र। क्या भाई मेरा क्या है, कि देखो ध्यान से पढ़ो, कुछ आगे पीछे कोई गड़बड़ तो नहीं लिखा है। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है, स्व माने अपना, इन्वर्टेड कोमा में ना आधा सा और वा, कि भाई अपने हिस्से में क्या आया, देखो 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 कि तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे हिस्से में आया, तुम्हारे हिस्से में क्या आया, इनका स्वभाव कि नहीं, तुम्हारा अपना स्वभाव तुम्हारे हिस्से में आया, तुम्हारे हिस्से में क्या आया। अब देख लो आपके अपनी अपनी झोलियों में क्या भरा पड़ा है, मेरे हिस्से में क्या आया। तो अब इस तीन लोक में और अनंतानंत पदार्थों के बीच में मेरा अपना क्या है, कि मेरा अपना स्वभाव है, इसके बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। ये निर्णय छोटा मोटा निर्णय नहीं है, इस निर्णय को आप यदि कर ले रहे हैं तो अनंत संसारियों की श्रेणी से उठकर सिद्धों की श्रेणी में जाके बैठ जाएं,
सिर्फ इतने से निर्णय से, कितने से निर्णय से, इस विश्व में मेरा क्या है। सारी गड़बड़ी यहीं से हुई कि प्राप्त पर्याय में तन्मय हुए, सो हमने शरीर को अपना माना, कुटुंब परिवार को अपना माना, रुपया पैसा सोना चांदी धन मकान इनको अपना माना, द्रव्य कर्मों को अपना माना, भाव कर्मों को अपना माना, नो कर्मों को अपना माना, ओहो पूरे विश्व में ममत्व परिणाम फैल गया और बदले में दुख 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 दुख। अरे झगड़े नहीं मचेंगे आप दूसरे के सामने उठा के चलोगे तो, संकलेश नहीं होगा। आज ट्रेन से उतरे हैं और दो सूट के सपने उतार रहे हैं, दो सामने वाले के, तो सामने वाला घबराएगा नहीं, वो आप पे चढ़ेगा नहीं, झगड़ा नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी, दुख नहीं उपजेगा। और सूट के भले ही फिर सोने का क्यों ना हो, छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा, उसके अंदर फिर भले ही हीरे क्यों ना भरे हो, वो आपको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्यों छोड़ना पड़ेगा, उसका आधार क्या है, तुम्हारा नहीं है। अब इतनी सी बात भेजे में नहीं घुस रही है, कितनी सी, कि जिन संयोगों के बीच में रहता हूं, जिन पदार्थों के बीच में मैं रहता हूं, अरे उनकी तो बात जाने दो, मेरे चैतन्य सदन में उत्पन्न होने वाले भी विकार मेरे हिस्से में नहीं है, मेरी वसीयत में नहीं है। जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। जब जब भूल जाओ वसीयत खोल के देख लेना 207 नंबर की गाथा में, मेरे हिस्से में क्या आया, मेरा अपना स्वभाव। तो कहीं बोले आप जब स्वभाव को अचार डालेगा, नोट आते, पानी आते, मकान आते, दुकान आते, तो थोड़ा भला होता, 10-20 करोड़ रुपया मिल जाते तो आनंद आ जाता। ऐसा भ्रम है इस जीव को, तेरे हिस्से में स्वभाव आया है। वो स्वभाव कैसा है मालूम है, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस् चिन्ह मात्र चिंता मणि रेशयस्मा सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते। ओ जैसे ही उसने स्वभाव को देखा, जैसे ही उसने स्वभाव को देखा तो उसने घोषणा कर दी, किस बात की, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण, मुझे दूसरों के परिग्रह से क्या। देखो और थोड़ा सा खुलासा किया, वह उसका यानी स्वभाव का, वह उसका, उसका माने किसका, स्वभाव का, अपने भाव का स्वामी है, मालिक है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से, काय के आलंबन से, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि, हम और आप इतने भी भोले नहीं हैं कि वसीयत में जो लिखा है सीधे सीधे मान ले रहे, जब तक कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डंडा ना चले तब तक हमारी नीयत में खोट बनी ही रहती है कि हमारे हिस्से का तो हमारे हिस्से में है, सो बढ़िया, वो तो पिताजी बढ़िया करके गए, लेकिन तुम्हारे हिस्से में जो दिया है ना उसका भी थोड़ा सा हमको दो, तब चैन पड़े। इसलिए वो खुलासा करके लिखा है कि वसीयत किसको समझ में आएगी, जिसके पास सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, तीक्ष्ण, तत्व दृष्टि के आलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह नियम से जानता है। मेरा परिग्रह क्या, परिग्रह माने होता क्या है पहले ये बताओ, परिग्रह शब्द का अर्थ क्या है, परिग्रह माने, ग्रह माने होता है ग्रहण करना, परि माने चारों तरफ से, तो चारों तरफ से जो ग्रहण किया जा सके परिसमंतात, उसको बोलते हैं परिग्रह है। तो चारों तरफ से, चारों क्या, दसों दिशाओं से क्या ग्रहण किया जा सकता है, मैंने आज तक क्या ग्रहण किया है, बस वो मेरा परिग्रह है। इसलिए यह मेरा, इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य का परिग्रह नहीं करता है,
अर्थात पर द्रव्य को अपना परिग्रह नहीं करता है। अपना परिग्रह नहीं करता है माने उस पर अपनी क्या कहना चाहिए अधिकार नहीं जमाता है। ये बात समझदारों के लिए है। मूर्ख तो पैदा होते ही कहता है शरीर ही मेरा है। अरे मेरा है मैं भी थोड़ा सा भेद पड़ता है ऐसा लगता है नहीं हूँ बस। तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको। शरीर गर्म हो जाए तो मैं गर्म हो गया, शरीर ठंडा हो जाए तो मैं ठंडा हो गया, शरीर लंबा तो मैं लंबा, शरीर ठिगना तो मैं ठिगना, शरीर मोटा तो मैं मोटा, शरीर पतला तो मैं पतला, शरीर काला तो मैं काला, शरीर गोरा तो मैं गोरा, शरीर के बाल तो मैं बाल वाला, शरीर के बाल उड़ जाए तो मैं गंजा। मतलब जो जो दशाएं शरीर की हों वह उन उन दशाओं को अपनी माने। और वसीयत में क्या लिखा है शरीर किसका, शरीर किसका, शरीर पर बपौती किसकी, शरीर पर अधिकार किसका, शरीर पर किसकी चलेगी, आप देख लो उसकी उसकी वसीयत पढ़ के देख लो। सबकी वसीयत आधी लाइन में निपटा दी। कौन सी, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। तो शरीर का स्वभाव क्या, शरीर के भाव कौन से, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो ये भाव किस में पाए जाते हैं, ये पुद्गल में पाए जाते हैं। तो शरीर का भाव पौद्गलिक रूप हुआ ना, तो शरीर का मालिक कौन, क्या पुद्गल, और मैं कौन, क्या चेतन। तो मेरे मेरा अधिकार शरीर पर है या नहीं है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है कि शरीर ही तो मैं हूं, ये शरीर से जुदा मैं क्या हूं, या शरीर में हाड़ है मांस है चमड़ी है रक्त है मज्जा है, शरीर की रचना तो पूरी की पूरी पौद्गलिक है और तू चैतन्य धातु से बना हुआ है, दोनों की जाति जुदी जुदी है। लेकिन अपने दिमाग में श्रद्धान में मैं ही शरीर हूं, मैं ही शरीर हूं। फिर अब इस शरीर से जो जो संबंधित थे वहां जाल फैलाया, फिर माता मेरी है, फिर पिता मेरे हैं, फिर भाई मेरे हैं, फिर बंधु मेरे हैं, फिर पत्नी मेरी है, फिर बच्चे मेरे हैं। मेरे हैं कि मैं हूँ, मेरे हैं कि मैं हूँ, ये बालक मेरा है या बालक मैं हूँ, कैसा मानते हैं जी, बोलो अज्ञानी जी, ये बालक मेरा है, ये पुत्र मेरा है, हम ऐसा मानते हैं, या पुत्र ही मैं हूँ ऐसा मानते। श्रद्धान का कमाल देखो, शब्दों में क्या कहते हैं, ये बालक मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पिता मेरे हैं, ये पुत्र मेरा है, ये मित्र मेरा है, ये मित्र मेरा है, ये शत्रु मेरा है, ऐसा मानते हैं ना, मेरा है ऐसा मानते हैं या मैं हूँ ऐसा मानते हैं। मेरा और मैं में तो अंतर समझते हो ना, एक को शास्त्रों में कहा है एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि माने एक मेक मानना, एक मेक माने दो है ही नहीं। और दूसरा कौन सा है, मेरा मानना, माने उसमें संबंध आ गया ना बीच में कि कुछ दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं तो फिर मेरेपन की कल्पना की जा सकती है। यदि वे दो भिन्न पदार्थ नहीं होंगे तो मेरेपन की कल्पना नहीं हो सकती है। तो शरीर और मैं दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं या नहीं हैं, के हैं, हमने माने क्या नहीं, हमने एक मेक कर दिए। ना केवल शरीर को एक मेक किया है, पूरे के पूरे कुटुंब को। एक भी ऐसा जीव नहीं है जो एक मानता हो कि ये पुत्रादि मेरे हैं। सबके सब मिथ्या दृष्टि यही मानते हैं कि ये पुत्रादि ही मैं हूं। भाषा कैसी है, मेरे हैं, और मानता क्या है, ये कपड़ा ये वस्त्र मेरा है ऐसा मानता हूँ, ये वस्त्र मेरा है ऐसा मानता हूँ, या ये वस्त्र ही मैं हूँ ऐसा मानता हूँ, बोलो क्या मान्यता है आपकी, बोलो भाई, ये कपड़े मैं हूँ ऐसा कोई मानता है या कपड़े मेरे हैं ऐसा मानते हैं, कोई नहीं मानता मैं हूं, पक्का क्या
और यहाँ गुना वालों का नहीं पता भाई मुझे, ये मकान मेरा है या ये मकान ही मैं हूँ, बोलो, ये दुकान मेरी है या ये दुकान ही मैं हूँ, क्या मानते हो? देखो भाषा कुछ भी हो, मिथ्या दृष्टि ऐसा परद्रव्यों में भेद करता ही नहीं है। वो तो ये कहता है मैं ही दुकान हूँ, मैं ही मकान हूँ, मैं ही रुपया पैसा हूँ, मैं ही वस्त्राभूषण हूँ, मैं ही शरीर हूँ। और कभी कभी तो ये कह भी देता है, जैसे दुकान लुट जाए तो क्या बोलता है, क्या बोलता है, मैं लुट गया। लुटा कौन है? दुकान। और लुट कौन गया? मैं। भाई ऐसी घटना कब घट सकती है कि जब दुकान और आप एक हो, इसके बिना तो घट ही नहीं सकती है। तो हमने अपने श्रद्धान में अपने ज्ञान में दुकान को और अपने आप को जुदा जुदा माना ही नहीं, कहा भले ही होगा ये मेरी दुकान है, लेकिन श्रद्धान में यही रहा कि दुकान ही मैं हूँ। दुकान नष्ट हो जाए तो इसकी सत्ता नष्ट हो जाए, साला मर गया मैं तो। मकान नष्ट हो जाए तो बेहोश हो जाए, क्यों? मैं और मकान कोई जुदे जुदे थोड़ी, जैसे शरीर में एकत्व बुद्धि करता है वैसे इस विश्व के समस्त पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करता है, क्योंकि जहाँ एक बुद्धि होती है मिथ्या, वहाँ बाकी की बुद्धियाँ भी होती ही होती हैं। जहाँ एकत्व ममत्व होता है वहाँ फिर उसका कर्तृत्व भी उत्पन्न होता है, कि जब ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूँ, तो फिर ये भावना जन्म लेती है कि ये शरीर अब मेरे हिसाब से चले, ये दुकान मेरी है, ये दुकान मैं हूँ, तो अब दुकान पर कर्तृत्व भी लागू होता है, भोक्तृत्व भी लागू होता है। यानी जहर के चारों पाए पुष्ट होते रहते हैं हर पल हर क्षण एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व से। क्यों? क्योंकि हम इन वस्तुओं के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। जैसे जगत में जिनको सुखद जीवन जीना हो, लौकिक सुखद जीवन जीना हो, वे संबंधों को बराबर पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? माता से माता जैसा व्यवहार करते हैं, पुत्र से पुत्र जैसा व्यवहार करते हैं, पत्नी से पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं, मित्र से मित्र जैसा व्यवहार करते हैं, तभी तो उनका जीवन सुखद रहेगा। और ये रिलेशन में हेरा फेरी करने लग जाए तो फिर दुखद जीवन हो जाता है ना। जो संबंधों को विस्मृत कर दे, वे कुछ का कुछ संबंध गढ़ ले, वे कुछ का कुछ संबंध बना ले, तो वह तो दुख की खाई है ना। तो जीवन में सुखी रहना हो तो हम संबंधों को यथावत व्यवहार करते हैं, जिससे जो संबंध है उसके प्रति वैसे ही वचन निकलते हैं, वैसी ही काय चेष्टा होती है, वैसे ही मन में परिणाम उत्पन्न होते हैं सुखद जीवों के। तो मोक्ष मार्ग में भी ऐसा है। इस विश्व में अनंतानंत पदार्थ हैं और उन अनंतानंत पदार्थों के आपस में अनेक प्रकार के संबंध हैं। मुख्य संबंध हम बात कर लेते हैं जिनकी चर्चा इसमें की गई है, कि भाई सबसे पहला बहुत प्रसिद्ध संबंध तो ये है जिसमें हमें एकत्व ममत्व की भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। कौन सा प्रसिद्ध संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। क्या बोला? पीछे जो सिंहासन में बैठ के थोड़ी सी झपकी ले रहे हैं वो बोल के बताएं, क्या बोला? इतनी दूर से दिखता नहीं ना हमको, इसलिए हम तो गप्पा मार रहे हैं। आप जग रहे हैं, आपको बधाई हो। एक क्षेत्र अवगाह संबंध, ये रिलेशन का नाम है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि इस विश्व में भिन्न भिन्न दो पदार्थ ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता रखते हैं कि वे एक ही जगह पर आ जाएं। कुछ पदार्थों में ऐसी संभावनाएं हैं, जैसे एक तपेली है, उसी में दूध है और उसी में पानी है। एक किलो दूध है और एक किलो पानी है, ठीक है ना। अब ये दूध पानी का जो संबंध है आपस में, वो कौन सा संबंध है? देखो अगर हम उसके इंग्रीड चेक करेंगे, फार्मूला चेक करेंगे, तो दूध के भिन्न हैं, पानी के भिन्न हैं। अनंत काल तक भी वैसा पड़ा छोड़ देवे तो पानी की एक बूंद दूध रूप नहीं होगी और दूध की एक बूंद पानी रूप नहीं होगी। आप समझे, इतना उनमें आपस में भेद है, उसके बावजूद भी दिखते कैसे हैं? एक मेक हो गए हैं ऐसा दिखते हैं। क्या वे एक मेक हुए हैं? इस संबंध का नाम है एक क्षेत्र अवगाह संबंध।
जैसे शरीर है और आत्मा है, ये कौन सा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध है। एक क्षेत्रावगाह संबंध माने कि उसी आकाश के प्रदेश पर मैं था या मैं हूँ, और उसी आकाश के प्रदेश पर ये पौद्गलिक परमाणु हैं, दोनों एक जगह है ना। अच्छा, एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से जो निमित्त नैमित्तिक पना है ना, उसकी बलजोरी हो जाती है। बलजोरी हो जाती है माने उसकी मुख्यता हो जाती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसे दूध पानी का एक क्षेत्रावगाह संबंध हो गया। अब अपन गैस पे दूध को गर्म करें तो पानी मुफ्त में गर्म होगा कि नहीं होगा? और हम पानी को गर्म करें तो दूध मुफ्त में ही गर्म होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का क्षेत्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। ऐसी शरीर के साथ और आत्मा के साथ क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब आत्मा का मूड हो हलने डुलने का तो शरीर को हिलना डुलना पड़ता है। एक क्षेत्रावगाह संबंध का ऐसा ही कोई नहीं। जैसे मेरा मन हो, मेरा मन है आत्मा का, मैं तो चैतन्य धातु हूँ ना, मेरा मन हो कि यहाँ से उठ के कमरे तक जाना है तो शरीर को भी साथ में आना पड़े कि ना आना पड़े? जाना पड़े ना। क्यों? निमित्त निमित्त जैसे आत्मा के परिणामों से शरीर में हलन चलन पाया जाता है। कर्तापना नहीं है ये, निमित्त निमित्तिक पना ऐसा ही है। और शरीर में कभी परिणाम हो हिलने डुलने का तो आत्मा को हिलना डुलना पड़े कि ना पड़े? नहीं, हाँ या ना? अरे जी लपेटे में आ गए। पहले कह रहे थे ना, अनुराग भैया ने कहा हाँ, तो मैं भी पलट गया हाँ, बोले हाँ। आज अब पंचा वाले कह रहे हैं तो अपन तो कह ही दो ऐसा। देखो भैया, महावीर के तप का फल महावीर के शिष्यों को नहीं मिला। इतनी साधना उन्होंने की, उनके जितने भी अनुयायी रहेंगे उनके ज्ञान का, उनके श्रद्धान का, उनके चारित्र का फल किसको मिलेगा? उनको। तो इसलिए सब अपने अपने ज्ञान, अपने अपने श्रद्धान, अपने अपने चारित्र का फल भोगना। पड़ोसी की हाँ में हाँ मिला हुए तो कभी फंस सकते हो, बाद में कहोगे अरे हम तो फंस गए। तो शरीर और आत्मा की बात चली अपनी, तो आत्मा के परिणामों से शरीर में हलना चलना पाया जाता है। जब आत्मा का मूड हो तो शरीर हिलता डुलता है। ऐसी शरीर का जब मूड हो तो आत्मा को हिलना डुलना पड़े कि नहीं डुलना पड़े? बोला अमित भैया, नहीं ना, स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता थोड़ी, हम तो निमित्त निमित्त की परतंत्रता बता रहे हैं अभी। हम अभी परतंत्रता का निरूपण कर रहे हैं कि आत्मा पराधीन है, शरीर पराधीन है। एक क्षेत्र वगैरह है ना, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, होता भी ऐसा। इतना तो सबको ही पता है कि आत्मा के परिणामों से शरीर में हिलना डुलना पाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आत्मा की इच्छा ना हो हिलने डुलने की, शरीर की इच्छा हो हिलने डुलने की, तो आत्मा के प्रदेशों को हिलना डुलना पड़ जाता है। नहीं होता है? जैसे एक रोग होता है, कंप रोग होता है, अब शरीर उसमें हिलता है, तो जब शरीर हिलता है हमारी इच्छा नहीं है हिलने की, आत्मा की इच्छा नहीं हिलने की, फिर भी आत्मा को हिलना पड़ेगा। क्यों हिलना पड़ेगा? अब चार आदमी मिलकर तुम्हें वहाँ से उठा के फेंक दे रहे हैं, समझो। शरीर यहाँ से क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो क्रियावत्ती शक्ति के कारण से, वो उपचार कथनता के चार आदमी ने उठाया, तो आत्मा को साथ में जाना पड़े कि नहीं जाना पड़े? क्यों? वो एक क्षेत्र का संबंध है। अच्छा, इतना घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद भी आत्मा और शरीर जुदे जुदे हैं कि एक हो गए हैं? बस इस भ्रांति का निवारण समझो सम्यक दर्शन है। एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते ही ख्याल में आ जाता है, एक क्षेत्रावगाह संबंध माने फर्जी। फर्जी माने कि भैया दूध में एक गिलास पानी ज्यादा गिर गया, अरे टेंशन मत लो 10 मिनट और गर्म कर लेंगे, वो वापस चला जाएगा, इतना ही है ना। क्यों? क्योंकि वह दूध में एक मेक नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा जो चैतन्य धातु है उसमें शरीर भले ही एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहे परंतु वह एक में नहीं होता है। एक संबंध तो ये प्रसिद्ध है। दूसरा एक संबंध और है, कौन सा संबंध? वो संयोग सिद्ध संबंध। संयोग सिद्ध संबंध ये क्या है? संयोग सिद्ध संबंध माने मेरा मेरे माता के साथ, मेरा मेरे पिता के साथ, मेरा मेरे भाई के साथ, मेरा मेरी पत्नी के साथ, मेरे मेरे बच्चों के साथ, मेरा मेरी दुकान के साथ, मेरा मेरे मकान के साथ, कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र वगैरह तो नहीं है, क्योंकि उनका क्षेत्र जुदा है, मेरा क्षेत्र जुदा है।
मैं अलग स्थान पर रहता हूँ, वे अलग स्थान पर रहते हैं, दोनों ही बादर है ना, एक दूसरे में घुस नहीं सकते, सूक्ष्म तो घुस जाते हैं, बादरों का घुस नहीं सकते, इसलिए दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। फिर क्या रिलेशन है? संयोग रिलेशन है। जैसे मेरा और आपका क्या रिलेशन है? संयोग। आपका मेरा क्या रिलेशन है? संयोग रिलेशन है। संयोग का मतलब क्या होता है? वियोग निश्चित हो, पहले से रोने लग जाओ। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो जो भी कर्म के उदय से जितने भी जिसके हिस्से में नौकर्म उपस्थित होते हैं या जिसको भी वो नौकर्म बना लेता है, उन सबके साथ में संयोग संबंध है। और संयोग संबंध जो है ना, एक क्षेत्र उगा तो फिर भी थोड़ा सा संबंध जैसा है, संयोग संबंध में तो सिर्फ संबंध नाम मात्र का है। संयोग संबंध कौन सा संबंध है कि भाई साहब, संयोग माने क्या होता है? लोक में भाषा चलती ना, संयोग की बात है। संयोग की बात है माने हमने कुछ किया नहीं है। जैसे आप जिस रास्ते से निकलें, एक मिनट पहले आप निकलें और एक मिनट बाद वहाँ बम फट जाए, तो कैमरे जब चेक किए जाएं तो आपका फोटो उसमें आएगा कि नहीं आएगा? पुलिस आपको उठा लेगी, आ जाओ भाई साहब, या आप निकले आपके बाद बम फट गया, तो आप क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे? देखो मालिक, संयोग की बात है। कौन सा रिलेशन है आपके गमन करने में, बम फटने में? संयोग है। संयोग है माने मेरा इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, उसका नाम है संयोग संबंध। मेरा और मेरे करोड़ रुपए में क्या संबंध है? जैसे बम फटने में जो संबंध था ना, अपने आप फटा भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, कोई तीसरे की करतूत है। तो ऐसे ही मेरा मेरे मकान के साथ क्या संबंध है, मेरा मेरी दुकान के साथ क्या संबंध है? देखो, संयोग संबंध को मैं जब भी याद करता हूँ ना, मुझे एक शब्द याद आता है, उर्दू में है वो शब्द, वहाँ है इत्तफाक। इत्तफाक शब्द सुना हो ना, तो इत्तफाक माने संयोग। अब जब आपको आपको संयोग सिद्ध संबंध समझना हो ना, तो ब्रैकेट में इत्तफाक लिख के रख लो, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मेरा और आपका क्या है। संयोग संबंध है ना, संयोग संबंध माने ना आपको मुझसे कुछ लेना देना है, ना मुझे आपसे कुछ लेना देना है, ना मुझे आपसे कोई बहुत अपेक्षाएं हैं, ना आपको मुझसे कोई बहुत अपेक्षाएं हैं। क्यों? संयोग संबंध। आप ट्रेन में बैठते हैं और हजारों यात्री हैं, तो आपका और उन हजार लोगों का क्या संबंध है? क्या संबंध है? कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई हरा होगा, कोई पीला होगा, जो भी है, कोई पैसे वाला होगा, कोई निर्धन होगा, आपको चिंता होती है, आपको टेंशन होती है, आपको घबराहट होती है। आज तो पूरी ट्रेन में गरीब गरीब लोग थे, तो घर जाके रोटी खाने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसा विकल्प आता है आपको, क्यों नहीं आता है? संयोग संबंध है। संयोग में क्या विकल्प करना, मेरा तो इससे कोई हस्तक्षेप है नहीं, सबने अपनी अपनी मर्जी से टिकट कराए, आके बैठ गए, आके उतर जाएंगे, तो मेरा मेरे परिवार के साथ क्या संबंध है? हम दम चीरे जा रहे हैं, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे उठो, तुम ऐसे खाओ, तुम ऐसे पियो, तुम ऐसे रहो, तुम ऐसा सोचो, क्या धमा चौकड़ी मचा रखी है। इतना सुंदर मनुष्य भाव, कीड़े मकोड़ों जैसा जीरा ही है, तीन तीन दिन मुंह फुलाए रहता है, तीन तीन दिन बाद इतनी सी बात पे क्या करे जी? क्यों? क्योंकि उसको संबंधों की पहचान नहीं है, है संयोग संबंध और मानता है तादात्म संबंध, है संयोग संबंध। इत्तफाक की बात है भाई साहब, मेरा मेरे पिता माता परिवार पुत्र सबके साथ में इत्तफाक माने मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा और मेरे करोड़ रुपए के साथ क्या संबंध है? इत्तफाक। इत्तफाक मतलब तुम्हारा इसमें रंच मात्र भी पुरुषार्थ नहीं है। और कितने ही लोग इस भ्रांति में बैठे हुए हैं, पंडित जी क्या बताएं, जब यहाँ आए थे हम 10 रुपया लेके आए थे, 5 रुपया लेके आए थे, कुछ नहीं था, और हमने जी तोड़ मेहनत की है, सवेरे 4 बजे से उठ के घिसे हैं, तब जाके 1 करोड़ रुपया पैदा हुआ है। हम कहते हैं तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब सफेद झूठ है। तुम्हारे पैदा करने से पैसा आता है, और सवेरे 4 बजे उठने से घिसने से अगर पैसा आता हो तो कितनी जनराशि है जो 4 बजे उठ के घिसती रहती है, दिन भर पहाड़ तोड़ रही है, मिट्टी खोद रही है, पेड़ काट रही है, चक्की पीस रही है, ओहो कितने पैसे आले हो जाते हैं।
दिन भर श्रम करते हैं, और कोई कोई रत्नों में पैदा हो रहा है, रत्नों में अभी अभी पैदा हुआ, पैदा होते ही करोड़पति, बोलो ऐसे भी जीव हैं क्या? नहीं है, जन्म क्षण से करोड़पति, जन्म क्षण से, बोलो क्या मेहनत किया उसने, कितने लोगों को बेवकूफ बनाया उसने, कितने लोगों को उसने, मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि हम व्यापार में बहुत मास्टर हैं सर, खड़े खड़े ग्राहक को पटा लेते हैं, हमारी बातों में ऐसा जादू है कि नहीं लेने वाला भी ले जाए, जिसको बोलते हैं ना हम गंजे को कंगी बेच के आ जाते हैं। हाँ, बोले वो कंगी का क्या करेगा कि हमने उससे कहा कि बार बार करोगे तो बाल आ जाएंगे। सेल्समैन से भी जीव को बोलते हैं ना, ओ महाभारी भ्रम में है ये जीव कि तेरी वाणी से धन आता है, तेरे वचनालाप से धन आता है, तेरे पल्ले में पुण्य हो तो उसको धन आते हुए धन को कोई रोक नहीं सकता है, और तेरे पल्ले में ना हो तो कहानियां कम सुनी है क्या आपने? एक सासू माँ को बड़ी दया आई अपने दामाद पे, बेचारे दरिद्री हो गए थे, तो क्या किया बोले लड्डुओं में असरफियाँ भर के रख दी। देखी कि नहीं देखी असरफियाँ? सुनी तो होंगी, बहुत है क्या करना है, मुँह में पानी ना लाओ, ऐसी सासें आजकल नहीं है भैया। कोई लड्डू नहीं रख रहा है, लड्डू में असरफियाँ कोई नहीं ठूंस रहा है, एक एक काजू मिल जाए वही बड़ा पुण्य समझ। खैर वापस आ, अपना अपना पुण्य पाप है, देखो भैया तो क्या करे। वो दामाद जी खुश हो गए, बोले 2 किलो लड्डू हैं, कहाँ कहाँ टांगे फिरेंगे, कहाँ कहाँ ले जाएंगे, हलवाई को बेच देते हैं, 10-20 रुपये आएंगे काम आ जाएंगे, हलवाई को 2 किलो लड्डू बेच दिए। क्या कमाल है जीव का। शाम को सेठ जी लौट रहे थे उसी रास्ते से, बोले बहुत दिन से घर पर लड्डू नहीं ले गया हूँ, क्योंकि 2 किलो बोले अभी अभी ताजा ही बने रखे हैं, बोले ले जाओ, उनने 2 किलो लड्डू वापस ले गए अपने घर। उसने खोल के देखा और बोले ये तो मेरे ही लड्डू है, क्या है। और दिमाग में ऐसी भूत घुसा हुआ है, ऐसा लगा है कि 2 घंटे ज्यादा दुकान खोलेंगे तो ज्यादा पीछे वाले हो जाएंगे, और कदाचित हो भी गए कौन सा तुम क्या कर लोगे, भगवान जाने। संयोग संबंध है तुम्हारे, तुम्हारे धन के साथ, तुम्हारे वैभव के साथ, तुम्हारे परिग्रह के साथ संयोग संबंध है, माने तुम्हारे पास यही मकान क्यों है, तुम्हारे पास यही दुकान क्यों है, तुम्हारे पास इतना ही धन क्यों है, तुम्हारी ऊंचाई इतनी ही क्यों है, तुम्हारी लंबाई इतनी ही क्यों है, तुम मोटे क्यों हो, तुम पतले क्यों हो, तो क्या जवाब है इन सब प्रश्नों का? संयोग सिद्ध संबंध है। हमारा माथा क्यों खा रहे हो यार पंडित जी, बहुत दुबले होते जा रहे। अरे यार हमारा माथा मत खाओ भाई, पहले से मोटे आ गए हो, हम का करें, हम वहां से निकले और बम फट गया, अब क्या करें हम, हमें पूछताछ चालू है क्या करें, हर 3 महीने में बुला लेते हैं, तुम सही बताओ, सही बताओ, तुम्हारे कोई तार तो नहीं जुड़े, बस इतनी सी बात थी कि मेरा निकलना हुआ बम का, मुझे विकल्प आया धन कमाऊं, और धन बढ़ गया तो पूरा गांव इंटरव्यू लेने आ गया, आप हमको मंत्र सिखाइए धन कैसे कमाया जाता है। तो हमने माइक और भीड़ देखी तो हमने भी कॉलर ऊंची कर ली, क्या बताएं साहब बहुत मेहनत की थी। अरे भाई साहब मर गए मेहनत करने वाले, कईयों चले गए, एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, कहीं मोतियों के करंड में होता अरे प्रभात है। ये भेद तो सदैव है ना, हम कितनी कल्पनाएं कर ले, में लेकिन आप जिनके साथ संयोग संबंध है हम उन पर कर्तृत्व लागू कर देते हैं, बस अब आपके घर में रायता फैल गया, उस परिवार को कोई सुखी नहीं बना सकता है जो संयोग संबंध को कर्तृत्व में ला लेता है, उसमें तादात्म्यपना स्थापित कर लेता है। तीसरा संबंध अपना तादात्म्य है, जिन 3 संबंधों की चर्चा करनी थी, पहला कौन सा है, एक क्षेत्र होगा, दूसरा कौन सा है, संयोग सिद्ध संबंध, तीसरा कौन सा है, तादात्म्य संबंध। ये तादात्म्य संबंध क्या होता है, वो शब्द से ही पता चल रहा है ना, तादात्म्य। ये वाला है कौन सा, एक मेक, जैसे अग्नि का और उष्णता का क्या संबंध है, ये तादात्म्य संबंध है। पानी का और शीतलता का क्या संबंध है, तादात्म्य संबंध। तादात्म संबंध का मतलब समझे, अब पानी को तुम कितना ही कूटो, कितना ही पीटो, कितना ही मारो, कितना ही गर्म कर लो, कितना ही दुर्वचन दो, कितनी गालियां दो, आप उसकी निंदा करो, आप उसकी प्रशंसा करो, वह अपनी शीतलता से
तस से मस नहीं होता है, इसका नाम है तादात्म्य। इसके लिए लिखा ना आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत्। उदाहरण क्या दिया, अग्नि उष्णम स्वयं उष्णम उष्णात् अन्यत् करो, कर क्या सकती है वो, क्यों वो स्वयं ही ये है तादात्म्य संबंध। अब आप बताओ जो जो आपके आसपास हैं उन सब में जिससे जो संबंध हो, चाचा को चाचा बोलना, मामा को मामा बोलना, काका को काका बोलना, पापा को पापा बोलना, मम्मी को मम्मी बोलना, काम बढ़िया चलेगा। तो जहाँ एक क्षेत्रवगाह संबंध हो वहाँ एक क्षेत्रवगाह मानना, जहाँ संयोग संबंध हो वहाँ संयोग संबंध मानना, जहाँ तादात्म हो वहाँ तादात्म मानना, आपका काम कभी नहीं बिगड़ेगा, आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे और फिर आपके चेहरे से झलकेगा शांत दशा तिन की पहचान करें करे जोर। समस्या कहाँ उत्पन्न हुई थी, था तो संयोग संबंध और माना क्या तादात्म संबंध, था तो एक क्षेत्र का संबंध माना क्या तादात्म संबंध, था तादात्म संबंध माना क्या संयोग संबंध, सब उल्टा पुल्टा कर दिया ना। इसको बोलते हैं ये जीव व्यवचारी हो गया है भाई, संबंधों को गड़बड़ करे उसी को तो लोक में व्यवचारी बोलते हैं ना। व्यवचारी किसको बोलते हैं, जो संबंधों को बिगाड़े उसका नाम व्यवचारी। तो इसने बिगाड़ दिए ना सारे संबंध, तो शास्त्रों में पढ़ ले भाई, और भी कई संबंध है, गे गया एक संबंध है। देखो जैन दर्शन सीखना हो तो सबसे सरल है, इस विश्व में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनसे हमें हमारा रिलेशन पता हो, कितना काम सरल हो जाता है। कभी दुर्व्यवहार नहीं हो सकता है यदि आपको संबंध पता हो तो, और संबंध पता ना हो तो वो कुलभूषण देशभूषण गुरुकुल से पढ़ के आए, व्यविचार उत्पन्न हुआ, समझो विकार उत्पन्न हुआ, उस विकार का आधार क्या था, संबंधों का ही नहीं पता था आधार उसका क्या है। तो हमें जितनी भी आकुलता पैदा होती है ना, हमें जितना भी दुख पैदा होता है, जितनी भी बेचैनी पैदा होती है, जितना भी कर्म बंधन के कारण बनते हैं, उसका एकमात्र आधार है कि हमें संबंधों का अभाव है। हम समझ ही नहीं है किससे क्या संबंध है, सब उल्टा पुल्टा मान रखा है। आत्मा और शरीर के साथ में एक क्षेत्र का संबंध है सो तादात्म मानते हैं। आत्मा यानी मेरा दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी परिवार कुटुंब के साथ संयोग संबंध है, कोई लेना देना नहीं है। संयोग संबंध माने कोई लेना देना नहीं है, हम उसको तादात मानते हैं। और ज्ञान का दर्शन का श्रद्धा का सुख का वीर का इनका तादात संबंध है, इन्हें हम इत्तफाक जैसा माने हाँ होंगे। अब पंडित जी कह रहे हैं आत्मा में सुख है तो होगा, धन में सुख है, आत्मा में सुख होगा, धन में सुख है और आत्मा में सुख होगा, परिवार में सुख है और आत्मा में सुख होगा, ऐसी चक्री चल रही है इसकी। हम बताओ आत्मा में और क्रोध में, आत्मा में और मान में, आत्मा में और मायाचारी में, आत्मा में और लोभ में कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध, संबंध भूले तो गड़बड़ हो जाएगी। तीन ही संबंध है देखो, अभी जितने भी प्रश्न उत्पन्न करेंगे तीन संबंधों के अंतर्गत होंगे, या तो एक क्षेत्र होगा या संयोग सिद्ध होगा या तादात्म होगा, ठीक है। हम पहला प्रश्न आत्मा और शरीर के, आत्मा बोलने ऐसा लगता है पता नहीं किसकी बात चली, मेरा और शरीर का क्या संबंध है, एक एक क्षेत्र, मेरा और आपका क्या संबंध है, मेरा मेरे मकान के साथ, मेरा मेरी दुकान के साथ, बराबर है ना, अच्छा मेरा मेरे क्रोध के साथ, मेरा मेरे मान के साथ, मेरा मेरी मायाचारी के साथ, मेरा मेरे विकार के साथ, कौन सा, देखो संयोग संबंध की शर्त है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध की शर्त है, कंडीशन अप्लाई, स्टार लगा था पढ़ नहीं पाए हो गया, बहुत बारीक अक्षर थे ना, स्टार छोटा सा नीचे लिखा है, क्या लिखा है उसकी शर्त क्या है कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध और संयोग संबंध सिर्फ और सिर्फ दो भिन्न द्रव्यों के बीच में होते हैं। अगर यह संबंध कहीं उपस्थित हुआ है माने दो भिन्न द्रव्यों की बात चल रही होगी, जैसे एक क्षेत्र अवगाह की बात की, इसका मतलब क्या है, गारंटी से यहां दो भिन्न द्रव्य होंगे,
यहाँ कौन से दो भिन्न द्रव्य हैं? एक जीव द्रव्य है और दूसरा उद्गल द्रव्य है। दो द्रव्य हो गए ना, इसलिए वो एक क्षेत्रागत संबंध हो गया। ऐसे ही हमने संयोग संबंध की बात की, मैं और मकान क्या संबंध है? संयोग संबंध। दो द्रव्य हो गए ना, मकान उद्गल द्रव्य हो गया और मैं जीव द्रव्य हो गया। अब हमने अगला प्रश्न पूछा कौन सा, क्रोध मान माया लोभ के साथ क्या संबंध है मेरा? क्या संबंध है मेरा? संयोग नहीं हो सकता है, एक क्षेत्रागार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो दो भिन्न द्रव्यों में होता है। दो भिन्न द्रव्य होंगे तो संयोग संबंध कहलाएगा। आप उतने मजाक में मतलब जैसा मकान मजाक में है ना, ऐसे क्रोध तुम्हारा मजाक में नहीं, नरक में डंडे पड़वाएगा ये। भाई माता पिता संयोग की बात है, उन्हें जो करना है करें, उनके परिणामों का फल मुझे नहीं भोगना पड़ेगा। संयोग संबंध का फायदा है। मंदोदरी ने कभी लोड नहीं लिया, रावण नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधर रहा, चूल्हे में जाए अपन स्वर्ग चलो, और चली गई हो बीजा बनवाया डायरेक्ट। रावण जी बेचारे क्यों? क्योंकि संयोग संबंध था। संयोग संबंध की गहराई में इसलिए बताना चाह रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग संबंध जो संयोग संबंध हैं उसमें इतने एकमेक हो जाते हैं। कई कई मूर्ख रहते हैं, गाड़ी में बैठती कहते हैं सीट अच्छी नहीं है, सीट का रंग अच्छा नहीं है, कंडक्टर बढ़िया नहीं, क्या लेना देना तुमको, ढाई घंटे का सफर है। संयोग संबंध है ना, मेरी पत्नी अच्छे नहीं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरे पिता अच्छे नहीं, क्या मतलब है? 10-20 साल मुश्किल से निकालने हैं, क्या फर्क पड़ना है? लेकिन वो 10-20 साल के लिए दम चीर दे, क्या क्या स्वरूप है, कहाँ से गड़बड़ी हुई? कि जो संयोग संबंध था ना, जो सीट हमको 2 घंटे वो मिली थी ना, दिमाग ने कहा ये मेरी सीट है तो बहुत साफ होने चाहिए, फटी नहीं हो, बहुत सारी शर्तें लगा दी। फिर किससे? मेरी है इसलिए। और सामने वाली की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कॉकरोच भी चल रहे हों, कीड़े खटमल भी पड़ गए हों, तो हमें क्या चिंता है भाई साहब? वो सीट और इस सीट में क्या अंतर है? दोनों के साथ संयोग संबंध है ना, कि एक को घर पर निकाल के ले जाएगा, इसका बस चले तो निकाल ले अगले भाव में जाए तो सारा कमाया हुआ धन इसको, ऐसा बस चले ना इसको कहे कि ठठरी से बांध दो, ठठरी तो समझते हो ना, हाँ क्यों नहीं समझते होगे बांध दो, ले जाएंगे साथ में, क्या व्यवस्था है सोचो आप। जब चवन ही नहीं ले जा सकते हैं तब इतनी हाई टॉप है, है? अगर ले जा सकते होते तो क्या होता, कुछ नहीं मर्डर हो रहे होते हैं। छठे काल में होगा ऐसा, उसको लगेगा कि ले जाएंगे हम तो। एक परमाणु मात्र भी तू अपना मानेगा तो तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, यदि आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो अनात्मा का ज्ञान नहीं होगा। जिसको आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है उसके मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं होता है, उसकी दृष्टि को सुदृष्टि नहीं कहा जाता है। सुदृष्टि के लिए जहां जो संबंध है वहां वह मानो। तो मेरा और मेरे क्रोध के साथ, मेरा और मेरे मान के साथ, मेरा और मेरी मायाचारी लोभ हास्य रति अरति जितने भी विकार हैं उनके साथ आपस में क्या संबंध है? संयोग संबंध नहीं है, क्योंकि संयोग संबंध होता तो हम चर्चा ही ना करते। संयोग संबंध की क्या चर्चा करें, टाइम खराब करना है संयोग संबंध की चर्चा करना। यदि आप 10 मिनट भी सोचते हो ना कि हमारे आसपास के लोग अच्छे नहीं है, आप बेवकूफ हो, क्या लेना देना है अच्छे हैं कि बुरे हैं, जैसे हैं वे हैं बस। भाई जिस ट्रेन में है, जिस गाड़ी में है, जिस बस में है, जिस घर में है, वो कैसा ही है उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, क्रोध मान माया लोभ ये जो विकार है ना, इनको यदि हम संयोग संबंध कह देंगे तो फिर आउट ऑफ कवरेज हो जाएगा, फिर हमें कोई चिंता ही नहीं रहेगी। भाई संयोग संबंध है फिर तो कोई बात ही नहीं है, संयोग संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? तादात्म संबंध। तादात्म संबंध है माने आत्मा स्वयं क्रोध रूप परिणमित हुई है, आत्मा स्वयं मोह रूप परिणमित हुई है, आत्मा स्वयं, आत्मा स्वयं। प्रवचन सार में दृष्टांत दिया है उसके लिए लोहे के गोले का, कि जैसे लोहे का गोला आग में गया तो लोहे का गोला स्वयं आग रूप परिणमित हुआ है, और अब वो लोहे का गोला नहीं है, अब वो आग है। तुम हाथ लगाने दौड़ना तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लोहे का गोला है? अरे पंडित आग है, वो आग है, आग है, आग है। वो क्यों आग है? क्योंकि वह आग रूप से परिणमित हुआ है। उसी प्रकार से ये आत्मा जब क्रोध रूप से परिणमित होती है तो ये आत्मा नहीं होती है, फिर क्रोध होता है।
जब लोभ रूप से परिणमित होते हैं तो हम आत्मा नहीं होती है, फिर क्या होता है? यद्यपि लोह की सत्ता का नाश नहीं हुआ है, तथापि हाथ लगाया तो आपको लोहे का आनंद नहीं आएगा, काय का आनंद आएगा? अच्छा, लोहा में मजा नहीं आ रहा ना, आप सोने का गोला ले लो, अपना क्या जा रहा है? सोने का गोला ले लो, 1 किलो का सोने का गोला एकदम लाल लाल आग में तपा हुआ है, सोने का गोला है ना, काय में तपा हुआ है, आग में तपा हुआ है, उठा लो हाथों से, बोलो काय का सोने का आनंद आएगा कि आग का आनंद आएगा? ऐसे ही क्रोधादि से परिणमित आत्मा में आत्मा का आनंद नहीं आता है, यद्यपि आत्मा नष्ट नहीं हुई है। ये तादात्म संबंध की तकलीफ ये है कि वो निष्फल नहीं है। संयोग संबंध जैसा हल्के में मत लो इसको, मैं तो केवली जैसा हूं साहब, राग आदि तो मेरे से सर्वथा भिन्न है, ऐसा मानकर जो जीव स्वच्छंद हुआ है, भाई तादात्म संबंध है। छोड़ो मजी साहब लिखते हैं, कारणों का विचार करेगा तो उपादान कारण है तू, किसका? क्रोध मान माया लोभ का। अरे यार, 2 मिनट पहले कह रहे थे ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे नहीं हैं, और अब क्या कह रहे हो? तादात्म संबंध है कि सुनो, घबराओ ना। तादात्म संबंध भी 2 प्रकार का है ना, कौन सा? एक अनित्य तादात्म संबंध और एक नित्य तादात्म। ये हमारी खुश नसीबी है कि जो क्रोध मान माया लोभ भले ही तादात्म संबंध वाले हैं, तथापि ये अनित्य तादात्म संबंध वाले, अनित्य तादात्म संबंध वाले माने ये मेरे स्व नहीं है, मेरे में उत्पन्न हुए हैं लेकिन मेरे अपने नहीं है। हाँ, ऐसा भी होता है, तुम्हारे भीतर पैदा हुआ क्रोध और क्या कह रहे हो? तुम्हारा नहीं है, ऐसा होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है? जो ऐसा जरूरी है जो हमारे यहाँ पैदा हो वो हमारा हो? हमारे घर में चूहे पैदा हो गए, अब राशन कार्ड में नाम लिखवाए उनका? भाई हमारे घर में पैदा हुए, पड़ोस के यहाँ से नहीं आए, हमारे घर में ही पैदा हुए, अब क्या करें? पासपोर्ट बनवाए उन सबका? क्यों? क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे घर में पैदा हुए। अरे मालिक, हमारे घर में पैदा होने से हमारे नहीं हो जाते, हमारे कब होंगे? हमारा अपना थर्मामीटर है, हमारा अपना मापदंड है, हमारी सकल सूरत मिलना चाहिए हमारों से, हमारी हेल्थ आइट मिलना चाहिए हमारों से, हमारे गुणधर्म मिलना चाहिए हमारों से, तो हम में शामिल होने के लिए क्वालिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारा अपना कौन कि मेरा स्वभाव, बस उसके बाद कोई मेरा नहीं है, हम काय के लिए परेशान हो रहे हैं? नहीं बोले, तुम्हारे घर में ही तो पैदा हुए कि तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है इससे? आत्मा में पैदा हो जाने से वे हमारे हों ये नियम नहीं है, कमाल, पैदा आत्मा में हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रोध मान माया लोभ शरीर में पैदा नहीं होते हैं, सविकारी चैतन्य परिणाम है, ऐसा लिखा आचार्यों ने, सविकारी चैतन्य परिणाम, वो चैतन्य ही परिणमित हुआ है क्रोध मान माया लोभ, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है। जैसे फोड़ा है शरीर में पैदा हुआ है, पैदा कहाँ हुआ है फोड़ा? शरीर में। अब बोलो वो शरीर का हिस्सा है या नहीं है? उसको संभाल के रखें कि निकाल फेंकें? पैदा तो शरीर में हुआ है ना। अरे पैदा हुआ है तो क्या हो गया? हकीकत यह है वो शरीर की रचना नहीं है, वो इधर उधर से कोई कीटाणु आके बैठ गया है जिसने वहां पर कुछ विकार उत्पन्न करके नई रचना की है, वो रचना शरीर की नहीं है। शरीर तो हीलिंग करता है, शरीर तो उसको नष्ट करता है, शरीर के जो परमाणु हैं वे समर्थवान नहीं होंगे इसलिए नष्ट नहीं कर पा रहे, जुदी बात है, लेकिन वो रचना शरीर की नहीं है। इसके क्या हुआ है? जब रचना शरीर की नहीं है तो हम उसको काटने में संकोच करते हैं, हम उसको हटाने में संकोच करते हैं, बस क्रोध मान माया लोग ऐसे मेरे नहीं हैं, यद्यपि मेरे में उत्पन्न हुए हैं, लापरवाही बरतेंगे और पड़े रहना छोड़ देंगे वहीं, क्या उनसे क्या लेना देना, जब उत्पन्न नहीं हुए हैं तो पड़े रहने दो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भले ही शरीर का अंग नहीं है, जब शरीर का अंग नहीं है तो बना रहने दो ना भाई, ये फोड़ा शरीर का अंग नहीं है तो बना रहने दो, कि जैसे ही आपने कहा ना बना रहने दो, अब मुश्किल हो जाएगी, अब निपटा देगा आपको। ऐसे ही ये क्रोध जो उत्पन्न हुआ है, ये मान जो उत्पन्न हुआ है, ये जो मायाचारी उत्पन्न हुई है, ये यद्यपि तेरी नहीं है तो तू उसको निकाल फेंकना,
अपनी रहे नहीं, पड़ी रहने दो कि सुनो अपनी जो चीज़ नहीं है वो पड़ी रहेगी, वो कचरा फैलाई और कुछ नहीं करेगी। इन्फेक्शन कितना बढ़ जाएगा आप कल्पना कर सकते हो, 2 साल पुराना फोड़ा हो, 5 साल पुराना फोड़ा हो, 10 साल पुराना फोड़ा हो, डॉक्टर उतना ही परेशान हो जाते हैं कि बोले अब उतना ही समय लगेगा इसको जाने में। जैसे 10 साल पुराना क्रोध लिए घूम रहे हैं, 20 साल पुराना क्रोध लिए घूम रहे हैं, कभी कभी तो इसके दिमाग पर तरस आता है। एक मंदिर में गया था, झगड़ा हो गया 2 लोगों का, और पता है वो क्या बोलता है मुँह से, कल से हम तुम्हारे मंदिर में नहीं आएंगे। झगड़ा किससे हुआ? मनुष्य गति के जीव से, और बदला किससे लिया? देव शास्त्र गुरु से। इसकी खोपड़ी घास चरने गई है क्या? अरे तुम्हारा गुस्सा भी आ रहा हो तो ये बोल दो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हारे घर पे खाएंगे नहीं, तुम्हारे घर पे पिएंगे नहीं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी आपको क्रोध का ही उपयोग करना हो, तुम्हारे बच्चों की शादी में नहीं है, वहां तो सब जगह नाचेगा, वहां ढूंकने पहुंच जाएगा, 1 प्लेट की जगह 2 प्लेट खाए। और मंदिर में हम ये वाले मंदिर में जाएंगे, ये वाले मंदिर में नहीं जाएंगे, कितना पाप बांधते हो अगर ये मंदिरों में ऐसा भेद ज्ञान है तुम्हें, तो तुम्हें देवसास गुरु मिले झगड़ा करने के लिए।